अब मैं अपनी प्लेटिंग करने लगी हूँ। मैं कॉर्न राइस के साथ मैं इसको सर्व करूँगी सीजनिंग प्लेट में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन मंचूरियन। ठीक है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनती है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हम लोगों ने ले लेना है, मैंने 500 ग्राम्स चिकन लिया है। ठीक है, मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 3 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने व्हीट फ्लोर लिया है भरकर, ठीक है, यानी आटा। और ये मैंने चिकन पाउडर लिया है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इसमें इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसमें ग्रेवी में भी यूज़ करूँगी चिकन मंचूरियन की। और ये मैंने सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून भरकर इसमें ब्लैक पेपर जाएगा ग्रेवी में भी और उसमें भी चिकन में भी। ठीक है, बाकी ये टमाटो पेस्ट है, एंड दिस इज़ टमाटो केचप। ठीक है, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और 3 टू 4 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली गार्लिक। ठीक है, ये मैंने कनौर कर लिया है सॉस। ठीक है, और तब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन की मैरिनेशन, और 3 टेबल स्पून मैं डालूंगी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। ठीक है, अच्छा जी, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम व्हीट फ्लोर डालेंगे, और ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई, इसके अंदर हम ऑयल भी ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ लोग इसके अंदर एग ऐड करते हैं, लेकिन मैं एग बिल्कुल ऐड नहीं करती, और ना मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग एग ऐड करें, क्योंकि एग का थोड़ा सा जो है ना वो जब हम फ्राई करते हैं तो उसकी बबलिंग आ जाती है ऑयल में भी, और तो थोड़ा सा स्टिंकी सा टेस्ट आता है जो रेस्टोरेंट में नहीं होता। तो मैंने ये चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया है, ऑयल भी ऐड कर दिया है, कॉर्नफ्लोर भी, व्हीट फ्लोर भी। तो इसके अंदर अब हम सॉल्ट टू टेस्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और ब्लैक पेपर, ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, देन इसको हम फ्राई करेंगे। तो मेरा चिकन हो गया था मैरिनेट। ठीक है, इसको मैंने 10 मिनट्स का भी स्टे दिया है, और अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। मेरा ऑयल गरम हो चुका है। अच्छा, ये ज़रूर याद रखिएगा, इसको हमने 80% फ्राई करना है, और बाकी का जो 20% है वो हम ग्रेवी के साथ कुक करेंगे। मीडियम टू लो मैं अपनी फ्लेम कर देती हूँ, ठीक है, ताकि स्लोली और अच्छे से कुक हो हमारी चिकन। शुरू में हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, ठीक है, 3 टू 4 मिनट्स के बाद हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। अच्छा जी, तो हमारा चिकन जो है वो मैंने साइड चेंज कर ली थी, और ये 80% कुक हो चुका है, तो मैं इसको एक साइड पर निकाल लेती हूँ, और हम अपनी ग्रेवी के लिए चीज़ें रेडी करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने सॉस के लिए क्या किया, एक कढ़ाई ले ली है, और वही वाला जिसमें हमने चिकन फ्राई किया है मैंने वही ऑयल लिया है। ठीक है, हम ऑयल लेंगे, इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ गार्लिक जो मैंने चॉप किया हुआ, इसको हम हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। ठीक है, गार्लिक को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ 1.5 चले कह लें सिरका। अच्छा, सिरके को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो टिंगलिंग का टेस्ट है वो थोड़ा सा डिसअपीयर हो जाए। ये होती है उनकी सीक्रेट रेसिपी जो हमें रेस्टोरेंट में इनका स्टाइल मिलता है कुकिंग का। साथ ही साथ मैं ऐड कर दूंगी सोया सॉस। ठीक है, फिर मैंने 1 टेबल स्पून भर कर ऐड किया है। चिली सॉस
और मैं अपना 1 टेबल स्पून जो केचप है ये ऐड करूँगी, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटो पेस्ट, चिली गार्लिक सॉस, और इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ चिकन स्टॉक कैनन्स का। आप लोग चाहें तो यखनी ले सकते हैं फ्रेश। इसको थोड़ी देर हम कुक करेंगे, फ्लेम मैंने हाई ही रखा हुआ है। सॉल्ट हम ध्यान से ही डालेंगे क्योंकि हमने चिकन जो स्टॉक होता है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। मैं ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करने लगी हूँ। साइड कॉर्नर्स पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी बबलिंग हो रही है हमारी ग्रेवी की। मोस्टली लोग इसमें एंड पॉइंट पे डालते हैं कॉर्नफ्लोर, लेकिन मैं इसमें कोई कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करने वाली। अब मैं इसके अंदर अपना फ्राइड चिकन ऐड करने लगी हूँ। इसको हम थोड़ा सा थिक करेंगे, कॉर्नफ्लोर ऐड ना कीजिएगा क्योंकि उससे फ्लेवर रेस्टोरेंट स्टाइल का नहीं आता। अब इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे 20% जो हमारा रह गया था, ठीक है। थोड़ी सी फ्लेम मैं मीडियम टू हाई कर रही हूँ। अब मैं अपनी प्लेटिंग करने लगी हूँ। मैंने कॉर्न राइस के साथ मैं इसको सर्व करूँगी सिजलिंग प्लेट में। आई होप कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी आज की। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।